क्रांतिकारी किसान मजदूरों का किसान परिवार कल्याण संगठन के तत्वावधान में प्रथम प्रादेशिक अधिवेशन दादाजी धुनीवाली समाधि स्थल धर्मशाला मां नर्मदा के पावन तट आंवली घाट तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद में संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश के समस्त जिलों से पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का आगमन हुआ तथा जिसमें किसान मजदूरों की मूलभूत समस्याओं पर चिंतन मनन के बाद माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन आंवली घाट से तहसील कार्यालय सिवनी मालवा तक वाहन रैली निकालकर अनुविभागीय अधिकारी को पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। भिंड जिले सहित मध्य प्रदेश में जिन जिलों में ओलावृष्टि हुई है, ज्ञापन में मुख्यमंत्री से पदाधिकारियों ने मांग रखी कि किसान भाइयों की सरसों गेहूं इत्यादि जो फसल नष्ट हुई है उनका तुरंत सर्वेक्षण कर उचित मुआवजा दे, अन्यथा किसान परिवार कल्याण संगठन विशाल आंदोलन के लिए मजबूर होगा। अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट अनिल गर्ग, राष्ट्रीय संयोजक बाबू सिंह राजपूत, किसान सचिव नरेंद्र सिंगोरिया, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश यदुवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष अरुण तिवारी, ग्वालियर संभाग संयोजक लाखन सिंह, ग्वालियर संभाग अध्यक्ष धर्मेंद्र कौरव, भिंड जिला अध्यक्ष एवं एनडीवी टाइम रिपोर्टर रघुराज सिंह भदौरिया तथा समस्त पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ता एवं किसान मजदूर वर्ग उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों के द्वारा दादाजी धुनीवाले समाधि स्थल से मां नर्मदा के पावन दक्षिण तट तक सफाई अभियान चलाया गया एवं मां नर्मदा में स्नान कर पूजा अर्चना। आपके मौलिक अधिकारों को छीनने लगे, उसे अपराध बनाने लगे और आप भी उसे अपराध मानने लगे, जबकि वो आपका अधिकार है जो संविधान ने आपको दिया था। जो खेती किसानी का इलाका है सिवनी मालवा, लेकिन सिवनी मालवा विधानसभा का आपके किसान संगठनों में उसकी आप बात ही नहीं कर रही कि हमारे समाज का वो वर्ग जो लघु वनोपज का संग्रहण करके अपने वर्ष भर में से आधे समय के लिए अपना जीवन यापन करता है, उस वर्ग के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी क्या दिक्कत है, हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं, हम अपने किसान संगठन में और किसान संगठन के एजेंडे में उसे कैसे शामिल कर। नहीं है, आज हम भी देश के विभिन्न किसान संगठनों के साथ उठते बैठते बात ही नहीं करते। तो मेरा ये सुझाव है कि आप अपने किसान संगठन में उस गाँव की तेंदू पत्ता बीनने वाले, महुआ और हर्रा बीनने वाले उसको भी शामिल करें, वो भी आपकी गांव की इकाई। अभी मैंने आपको पहले ही कहा कि मुझे बताया नहीं गया था कि यहाँ क्यों आमंत्रित किया है, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन कल जब मेरी बात हुई तब मुझे लगा कि ये इन मुद्दों पर मुझे बात करना चाहिए। मैं फिर आप लोगों से एक बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि सरकार ने संविधान बनाया, कानून बनाए, आदेश और निर्देश जारी किया, आपको हमको उसकी जानकारी ही नहीं है, इसलिए उसका पालन नहीं होता और उसके लिए किसान संगठन धरना और प्रदर्शन करते हैं। मैं उसका एक बहुत सटीक और अभी का एक उदाहरण दे रहा हूं। कमलनाथ जी की सरकार आई, जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण किया उसी दिन मुझसे पूछा गया कि कर्ज माफी को लेकर आपका क्या सुझाव है। हमने उसी दिन बाबू सिंह, कैलाश, नरेंद्र, हम लोगों ने मिलकर एक पर्चा छापा। हमने कहा हम अपना सुझाव पर्चे के रूप में दिए। जिस दिन कमल